शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज अगर आदित्य नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। क्या आदित्य बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। इसने यश को फंसाया है। वो आदमी जिसकी मौत का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया है वो मरा नहीं है, वो आदमी जिंदा है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा और फिर आदित्य वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ से बचा कर मुझे यहाँ ले आया। दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश भी मत करो। ये साड़ी तो मैंने दी थी अंजलि को, इसे पहनकर वो आदित्य के पास। ये क्या कर रही हो अंजलि? मैं मानता हूं मैं तुम्हें पसंद करता हूं, पर तुम मुझसे बार बार क्यों कह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? ये सही नहीं है। तुम मेरे भाई की पत्नी हो और अब मैं तुम्हें उसी नजर से देखता हूं। हटो। अंजलि, मैं यश के साथ धोखा नहीं कर सकता। साड़ी में कैसे लग रहे हैं यश जी? और देखिए, हमने आपकी पसंद का हलवा भी बनाया, खाकर बताइए कैसा बना है। बहुत भोली बनती हो ना तुम अंजलि, लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया। असली चेहरा? क्या मतलब है यश जी आपका? यश जी बताइए ना, ऐसा क्या किया हमने जो धोखा? तुमने मुझे धोखा दिया है अंजलि। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। एक तरफ यश जी कहकर मेरे प्यार का दम भरती हो और वहां और को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है अंजलि। क्या देखा है जी? कि तुम कैसे उस आदित्य की बाहों में लिपटकर अपने प्यार का इजहार कर रही थी। वो तुम्हें बार बार पीछे हटा रहा था अपने आप से, लेकिन नहीं, तुम उससे दूर होने का नाम तक नहीं ले रही थी। और फिर अगले ही पल तुम मुझे हलवा खिलाने आ गए। कितने चेहरे हैं तुम्हारे अंजलि? कितनी बड़ी भैरूपिया हो तुम, बोलो ना अंजलि।
सॉरी अंजलि, ये सही नहीं है। तुम मेरे भाई की पत्नी हो और अब मैं तुम्हें उसी नजर से देखता हूँ। हटो। देख ले इसकी हरकत। यश जी करते करते आदित्य के पास पहुंच गई ये लड़की। पहले तो अपने पति को पागल बनाया, फिर दूसरे को फंसाने में जुट गई। देखो ऐसे कैसे सज धज कर आदित्य को लुभाने चली गई। झूठ है ये सब। आपको कोई गलत फहमी हुई है? क्या हो गया है आपको यश जी? जरा सोचिए, हम ऐसा कर सकते हैं? चुप कर। कोई जरूरत नहीं है बिना मतलब की सफाई देने की। तेरे कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। तुझ जैसी चरित्रहीन की अब इस घर में कोई जरूरत नहीं है। हम मर जाएंगे बड़ी साथ, हम अपने यश जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आज से बल्कि अभी से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से। तुम एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। एक मिनट यश। ऐसा मत करो मेरे भाई। अंजलि तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है। वो हो जाती है इंसान से गलती कई बार, अंजलि से भी होगी। कहां जाएगी वो बेचारे? माफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे इस घर में तो रहने दो। दर दर भटकेगी तो कर परिवार की कितनी बदनामी होगी। मेरी वजह से उस पर जुल्म मत करो यश। प्लीज मेरी बात मान लो। ठीक, आदित्य के कहने की वजह से मैं तुम्हें इस घर में रहने देता हूं। तुम इस घर में रहोगी तो सही, लेकिन कोई तुमसे बात नहीं करेगा। ना तो तुम किसी से बात करोगी और ना ही तुम्हारा इस घर में किसी से रिश्ता होगा। अब तो मैंने भी सोच लिया, ना तुम्हें इस घर से जाने दूंगा और ना ही तुम्हें अपनी धर्म पत्नी होने का हक दूंगा। यही तुम्हारी सजा है। आज तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगी। गिरफ्तारी रुकवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें यश को डिवोर्स देना होगा। पापा सुनिए ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया। सुनिए तो मैं मुझे छोड़ दीजिए। सर, यश घर को यहाँ लेकर आए हैं क्या? नहीं, किसी यश घर को नहीं लाया गया है।
है जिसकी मौत का इल्जाम आदित्य ने यश जी के ऊपर लगाया, इसका मतलब ये आदमी इसकी पहचान का है। गोपाल हमारे साथ है, हम पर जो भी झूठे इल्जाम लगे हैं हम उनका सच सामने लाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे और अपने यश जी का प्यार वापस पाकर रहेंगे। कितने चेहरे हैं तुम्हारे अंजलि? आज से बल्कि अभी से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आज तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरी नफरत देखोगी। समझ में नहीं आ रहा है गोपाल, आखिर ऐसा क्या देख लिया यश जी ने जो हमसे हमसे ऐसे बात करने लगे? तकलीफ होती तुम्हें ऐसे देखकर, सच बताओ तुम थक नहीं जाती इतना सब कुछ सहकर? इतनी भाग दौड़, इतने इल्जाम, इतने ताने, कैसे सह लेती हो तुम? अच्छा यही होगा कि तुम अपनी से छोड़ दो। वो क्या है ना, तुम नहीं मानोगी मैं कुछ करूंगा, तुम फिर नहीं मानोगी मैं फिर कुछ करूंगा, आखिर कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? सच बताऊं, तुम्हारी जगह मैं होता ना, पल भर में डिवोर्स पेपर साइन करके टेंशन फ्री हो जाता। 24 घंटे होने में अभी भी 5 मिनट बचे हो, अगर मेरी सलाह मानो तो साइन कर दो पेपर्स में। चलो आओ साइन कर दो। तुम में और हम में बहुत फर्क है आदित्य, हम मर जाएंगे लेकिन ना तो हम डिवोर्स पेपर साइन करेंगे और ना ही अपने यश जी से दूर जाएंगे। से भी कभी एक औरत की सहन शक्ति का इम्तिहान लेने की कोशिश भी मत करना वरना कब उसकी आग में जल के तुम भस्म हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 24 घंटे पूरे हुए, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया अंजलि। नाश्ते की तैयारी कर ले। हम गर्मा गर्म पराठे बना देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तू रहने दे अंजलि, मैं खुद बना लूंगी। पापा पापा आप बड़ी दादी और माँ को समझाई ना हमने कुछ नहीं? जी हम आपके लिए नाश्ते से पहले वाली दवाई और बादाम लेकर आ जाते अभी। अंजलि तू यश की चिंता मत कर, मैं दवाई बादाम नाश्ता सब दे दूंगी यश को। ये लो यश। मैं अपना नाश्ता रूम में करूंगा।
तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। यश जी चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। यश जी आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे कोई सफाई नहीं सुनी, जाओ यहाँ से। यश जी क्या हुआ, यश जी आपको क्या हुआ? जाओ यहाँ से। मेरा सर। यश जी, अंजलि प्लीज। यश की हालत बिगड़ रही है, अभी के लिए तू जा यहाँ से। अच्छा वो यश जी, अंजलि प्लीज जा। खबर लग गई तुझे? रिचा ने कल रात को फोन करके बताया कि अंजलि ने कितना बड़ा कांड कर दिया। मुझे तो हैरानी हो रही है, इतना सब होने के बाद भी आपने उसको इस घर की बहू बना के रखा हुआ है। हम क्या करते हैं यश, इस लड़की को इसी घर में रखकर सजा देना चाहता है। वैसे भी सिर्फ घर परिवार से दूर रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, आपको इसे अपनी रसोई से भी बेदखल कर देना चाहिए, तभी इसे अपनी औकात पता चलेगी। रिचा हमें तुझसे कुछ बात करनी। हाँ बोल ना। देख रिचा, हम सच कह रहे हैं, हमें यश जी की बेगुनाही के सारे सबूत मिल गए थे। ना तो यश जी से कोई एक्सीडेंट हुआ है और ना ही उनकी गाड़ी से टकराकर किसी की मौत हुई। सच में? हाँ। वो आदमी जिसकी मौत का इल्जाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, और हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। तूने देखा है उसे? ना कि सिर्फ देखा है, बल्कि हमने उसकी फोटो भी खींची है, उसके वीडियो भी बनाए हैं, पर पता नहीं कैसे वो फोटोज और वीडियोस हमारे फोन से डिलीट हो गए। कौन कर सकता है ऐसा? अच्छा देख, तू हमें गलत मत समझना, लेकिन लेकिन हम जानते हैं कि तू अभी भी यश जी से प्यार करती है। कहीं रिचा, कहीं तूने तो सबूत डिलीट नहीं किए जिससे कि यश जी हमसे नफरत करने लगे? अंजलि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की? रिचा देख, अक्सर प्यार के पागलपन में आकर ऐसी गलतियां हो जाती, लेकिन तू जरा सोच, वो यश जी की बेगुनाही के सबूत थे। अच्छा अगर तेरे पास वो है तो हमारे लिए ना से यश जी के लिए वो दे दे, ताकि वो इस अपराध बोध से मुक्त हो सके कि उनके हाथों किसी की जान गई है। अच्छा आज यश जी की जो हालत है, जो वो हम पे शक कर रहे हैं, ये सब इसी वजह से हो रहा है। तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज रिचा, अगर तूने वो फोटोज डिलीट करने से पहले कभी किसी को भेजे हो, कहीं सेव किए हो, तो प्लीज हमें बता देना, प्लीज। तुझे क्या लगता है, मुझे छोटे बच्चे की तरह बहला फुसला कर तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा लेगी? चल, जो तू कह रही है ना, वो सबके सामने चल कर कह। देखिए आप लोग, ये अंजलि मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगा रही है। दरअसल मेरा इस घर में रहना इसकी आंखों में खल रहा है, ये बस कुछ भी करके मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती है। अगर ऐसा ही करना है अंजलि, तो मुझे सच सच बता दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी यहां से। तू ऐसा क्यों बोल रही है रिचा? हम तो सिर्फ तू रिचा, अरे पीठ बता रही है, क्या हुआ रिचा की पीठ? अच्छा बैठ, अच्छा कह रही है, यहां पर डॉक्टर को बुलाओ, तबीयत बिगड़ रही है इसकी, कहीं मेरी बेटी और उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। तू बैठ, हम तेरी पानी ले। पहुंच गया तू धरती पर, मर क्यों नहीं जाती तू? मेरी बेटी की जान क्यों लेना चाहती है तू?
पानी पी ले, पानी पी ले। जब से इस घर में आई है इस घर की चांदी छीन ली है इस लड़की ने। बड़ी दादी, अंजलि मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने यश की बेगुनाह के सारे सबूत मिटा दिए। अब किस लिए चाहिए सबूत? आदित्य ले तो आया यश की बेल कराकर। लेकिन बड़ी दादी, जब यश जी ने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो फिर बेल की क्या जरूरत है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि वो पीटर जिंदा है? यश जी पर कोई केस बनता ही नहीं है, ये आदित्य उन्हें फंसा रहा है। कितनी बेशरम लड़की है ये। एक तरफ आदित्य से इश्क लड़ा रही है और दूसरी तरफ उसी आदित्य को जेल भेजना चाहती है। इससे तो इंसान के चरित्र के सारे गुणाभाग फेल कर दिए हैं। आज से इस पूरे घर का अंजलि के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ना वो हमारे रसोई में कदम रखेगी, ना ही कोई उससे बात करेगा। मैं इस घर की बड़ी हूँ और ये मेरा हुक्म है। आज से हमारे घर की रसोई में तू पैर नहीं रखेगी। खुद ही अपना खाना बनाएगी और खुद ही चूसेगी। और कभी शर्म आए तो बिना किसी को बताए चुपचाप इस घर से निकल जाना। तूने मेरे यश को मुझसे छीना था ना? देख, यश फिर से मेरे पास आ रहा है। तू भी इस खेल में शामिल है रिचा। प्यार और जंग में सब जायज है। जंग का ऐलान हो चुका है अंजलि। अब की बार तेरी लड़ाई एक पत्नी से है। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।